students, how are you? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन आवर एनवायरनमेंट और इस लेसन के हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो पेपर में आपको MCQs में इसी तरह से ऊपर लिखा हुआ आएगा कि A, B, C एंड D में से कोई भी जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करें और उस पर सर्कल करें या जो भी आपका लिखा होगा उसके मुताबिक आपने करना है. तो हमारे पास नंबर वन MCQs है और जो राइट आंसर है इसमें मैंने उसको इस तरह से हाईलाइट कर दिया है सब राइट आंसर्स को ताकि आपको पता चल जाए और आप उसके मुताबिक पेपर के मुताबिक तैयारी कर लें. आवर एनवायरनमेंट इज़ नाउ अ डैश प्रॉब्लम. हमारा माहौल जो है वो अब एक कौन सा मसला बन गया है, सोशल प्रॉब्लम, एक माशर्ती मसला बन चुका है. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, राइट द सिनोनिम फॉर ऑल्ट्रेशन. कि सिनोनिम मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम मायनी लफ्ज़ या मुतरादिफ को कहते हैं, तो ऑल्ट्रेशन का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, तो इसका मुतरादिफ या हम मायनी लफ्ज़ है चेंज यानी कि तब्दील होना. नंबर थ्री MCQs है हमारे पास, व्हाट इज़ करेक्ट सिनोनिम फॉर क्लैप्स. कि क्लैप्स का सही हम मायनी लफ्ज़ क्या है. क्लैप्स का मतलब तो होता है आगे झुक जाना या गिरना, तो इसका है राइट आंसर टू ब्रेक डाउन. नंबर फोर MCQs है हमारे पास, रिसोर्सेज सीम्ड डैश. के जो वसाइल हैं वो क्या नज़र आते थे, वसाइल हमें गैर महदूद नज़र आते थे. इसका राइट आंसर है अनलिमिटेड. नंबर फाइव है हमारे पास, अ थ्रेटेंड एनवायरनमेंट पुट्स मैन इन अ डैश पोजीशन. के माहौलियाती जो धमकी है उसने आदमी को कहाँ डाल दिया था, इन अ प्रिकेरियस पोजीशन यानी कि एक ख़तरनाक पोजीशन पर, एक ख़तरनाक मरहले पर लाकर आदमी को उसने खड़ा कर दिया है. नंबर सिक्स है हमारे पास, द कम्पेन वाज वेज्ड इन डैश अगेंस्ट हिपोपोटमी. के द कम्पेन की एक मुहिम जो है वाज वेज्ड वो चलाई गई या जारी रखी गई कहाँ पर, कौन से मुल्क में, साउथ अफ्रीका में. राइट आंसर है साउथ अफ्रीका में, कि साउथ अफ्रीका में एक मुहिम चलाई गई किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिपोपोटमी यानी कि जो दरियाई घोड़े हैं उनके खिलाफ चलाई गई थी. नंबर सेवन है हमारे पास, अ डर्टी लेक अफेक्ट्स नॉट ओनली द पीपल नियर इट बट द एंटायर डैश. के एक जो गंदी झील है वो ना सिर्फ वहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को मुतासिर करती है बल्कि इससे एंटायर क्या चीज़ मुतासिर होता है, एंटायर इकोस्फीयर यानी कि पूरा माहौल मुतासिर होता है. राइट आंसर है इकोस्फीयर. नंबर एट है हमारे पास, द आइडिया ऑफ पोल्यूशन वाज ऑलमोस्ट अननोन इन अराउंड डैश. के आलूदगी का जो तस्वूर है वो तकरीबन बिल्कुल ही अननोन था. कब? राइट आंसर है 1950s के 1950 में बिल्कुल ही आलूदगी का तस्वूर नहीं था. नंबर नाइन MCQs है हमारे पास, विदाउट द मूवमेंट ऑफ डैश रिवर सिल्ट अप एंड ओवरफ्लो कॉजिंग फ्लड्स. के किसकी हरकत के बगैर, तो राइट आंसर है हिप्पोस. के दरियाई घोड़ों की हरकत के बगैर रिवर सिल्ट अप, दरिया जो है उनका क्या हुआ, मट्टी जम गई एंड ओवरफ्लो कॉजिंग फ्लड्स और सैलाब की वजह से वो बहने लग गए, ओवरफ्लो हो गए, ज़्यादा भर गए. नंबर टेन MCQs है हमारे पास, डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट एंड डेड बॉडीज अल्टीमेटली रिटर्न्स यूजफुल. के मुर्दा जिस्मों और जो बेकार अशिया होती है उनका जो डीकम्पोज होता है यानी कि उनके जो बोसीदगी का अमल होता है उससे अल्टीमेटली रिटर्न्स वो किस चीज़ में फिर तब्दील हो जाते हैं, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स. तो राइट आंसर है यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में तब्दील हो जाते हैं. नंबर इलेवन है हमारे पास, वी मस्ट अबंडन प्लूटेंट्स और पे फॉर द क्लीनिंग अप रिवर्स ओशन लैंडस्केप एंड डैश. के क्या हम जो हैं दरियाओं समंदरों खुश्की के मनाजिर को साफ़ करने के लिए अदायगी करेंगे, तो इसका साथ राइट आंसर और क्या है, एयर. के ओशंस लैंडस्केप एंड एयर. नंबर ट्वेल्व है हमारे पास, इंडिविजुअली वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाई गिविंग अप सम ऑफ आवर डैश. के इनफरादी तौर पर हम जो हैं आलूदगी में कमी ला सकते हैं बाय गिविंग अप, मतलब तर्क करके या छोड़ के, हमारा अपनी क्या चीज़ छोड़ के हम आलूदगी में कमी ला सकते हैं, तो हम अपनी, अगर राइट आंसर है मशीन्स एंड लग्जरीज, कि अगर हम अपनी कुछ सहूलतें और मशीनों को छोड़ दें तो हम आलूदगी में कमी ला सकते हैं. नंबर थर्टीन है हमारे पास, द लेसन आवर एनवायरनमेंट इज़ रिटन बाय.
कि जो हमारा लेसन है अवर एनवायरनमेंट, इसके राइटर कौन है, किसने लिखा है? तो राइट आंसर है फ्रैंक एस स्कारपिटी, कि ये इसके राइटर हैं। नंबर 14 एमसीक्यूज है हमारे पास, द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैज़ बीन डैश, के माहौलियाती मसाइल की जो वसत है, स्कोप है, या उसका जो दायरा कार है, वो बखूबी कायम किया जा चुका है। तो क्या हैज़ बीन, राइट आंसर है वेल इस्टेब्लिश्ड। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एक्शन ग्रुप्स शुड बी फॉर्म्ड टू इंश्योर पैसेज ऑफ एनवायरमेंटल डैश ऑफ एनवायरमेंटल, क्या आएगा यहाँ पर, एनवायरमेंटल लीगिसलेशन, के जो है ना माहौलियाती कानून साजी का रास्ता बनाने की जो, और कानून साजी की कार्रवाई करने वाले क्या किए जाएं, ग्रोह तश्कील किए जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अवन एनवायरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आपने पेपर में आपने इसी के मुताबिक तैयारी करनी है।